वाकई में काफी डिफरेंट रोल आपने किया. चलो अच्छी बात है, आजकल डिफरेंट आप कह रहे हैं और हम नहीं कह रहे हैं. इट फील्स गुड. दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस प्रोबेबली. फर्स्टली यू नो आई एग्री टू डू इट बिकॉज ऑफ राजजी. राजजी और हम पहले साल से, सिंस आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स, वी वर सपोज्ड टू डू अ फिल्म टुगेदर और कभी कर नहीं पाए क्योंकि स्केड्यूल्स मैच नहीं कर पाए. और जब भी राजजी ने मुझे एक फिल्म के साथ अप्रोच किया तो या तो डेट्स नहीं थे और इसलिए हम कर नहीं पाए, या वी कुडंट वर्क इट आउट इन टर्म्स ऑफ स्केड्यूल्स. तो और ही हैज़ बीन अ फ्रेंड, ही हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड टू मी थ्रू आउट, ट्रूली अ ट्रू फ्रेंड. तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया इस फिल्म के साथ, हाँ उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली कहा कि फिल्म का फोकस तुम्हारे कैरेक्टर पर है नहीं, पर it is a very integral part of my story and it's a very important role for me in the film. Aur agar aap karengi to mujhe khushi hogi. And I just said yeah, I'll just do it. It's your conviction. I mean, you are Rajkumar Santoshi, so I'll go with your conviction. I trust you and I was happy to do it. And jaise aapne kaha, it was different. Jab main apne roles select kar rahi thi pichle saal ke liye, to maine ye tay kiya tha ki jahan tak ho sake as an actor मैं हर एक्सपीरियंस में कुछ अलग करना चाहती थी और अपने ऑडियंस को वाकई में अलग अलग ऐश्वर्य दिखा पाऊँ. और देवदास के बाद मैंने चोकेर बाली चुनी, क्यों हो गया ना ये फिल्म चुनी, खाकी चुनी और ब्राइड एंड प्रेजुडिस और अभी रेनकोट एंड शब्द. तो हर फिल्म में वाकई मेरी ऑडियंस एक अलग ऐश्वर्य से मिलेंगे एंड दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी.